नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रीड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है भाई इमर्जिंग इंडिया और राइजिंग सुपर पावर बाय 2024। तो भाई देखते हैं कि इंडिया जो है जैसे सुपर पावर के लिए कैसे जो है आगे बढ़ रहा है और किन किन फील्ड में आगे है, और इस पर जो है रिएक्शन काफ़ी लोगों ने दिया है। तो आपको इसके एंड में जो है इन लोगों के रिएक्शन भी सुनवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। दिस इज इंडिया, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, एक्सपेक्टेड टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। The Indian Space Research Organization is among the world's top for most successful space agencies. Third country with the most billionaires in the world. A country with the most vegetarian people on the earth. Among the top 5 manufacturing countries. The world's second largest textile industry. The well known as the hub of information technology. The biggest startup ecosystem in the world. The largest foreign exchange reserve in the world.
the world's new and most potential superpower with the largest young force in the world. Among the world's top 10 largest exporter. The biggest consumer of gold, silver, diamond and jewelries. The pharmacy of the world. A country with the most number of mega projects under construction in the world. The world's most diverse country. The world's most colorful country. The world's fastest growing major economy, expected to be the world's third largest economy by 2027. The world's fastest growing startup ecosystem. The world's fastest growing major stock market. The world's fastest growing real estate market. This is where India is standing today and is preparing itself to become the next global superpower. बहुत आ गया है इंडिया यार, बहुत आ गया भाई। इसी क्या वीडियो थी यार, ये क्या वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। कहाँ वीडियो भाई, कहाँ इंडिया आ गया, कहाँ से यार। मैं उधर हैरान हुआ हूँ, 2-5 सालों में 2 ट्रिलियन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5 सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर बताया 2 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट है, किसमें सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, फिर मिलिट्री बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर यार भाई 2 ट्रिलियन डॉलर सोना है सर। नहीं, 2 ट्रिलियन डॉलर का इंडियन के लोगों के पास सोना है, 2 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर के पास इंडियन के पास। और भाई 5 सालों में 2 ट्रिलियन तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पीचलेस है और हम लोग ज्यादा है, हर एक में किसी में सेकंड लार्जेस्ट, किसी में टॉप में, किसी में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हम क्योंकि ना इतनी वीडियोस देख चुके हैं इंडिया की प्रोग्रेस की और मेगा प्रोजेक्ट्स की, हम चौंके नहीं क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड यही था। सबसे मजे की बात की वहाँ पे जो 50% पॉपुलेशन है वो 25 से नीचे नीचे, और इंटरनेट यूजर्स भी बहुत ज्यादा है। हाँ, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 हो जाएगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग कितने सेक्टर्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग, आप किन्ने आए तो आपको टाइम लग जाएगा। इसरो की बात करें, फिर सैटेलाइट्स एक बारी में 104 के कितनी लॉन्च कर दी, फिर एक फर्स्ट कंट्री थी जो मार्स में, हाँ मार्स में फर्स्ट अटेम्प्ट पे लैंड, हमने सब ये देखा हुआ है। और स्पाइसेस हो गए, राइस हो गया, किन किन चीजों में डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, कॉस्ट्यूम्स हैं डिफरेंट, मतलब बताया हुआ। फिर ज्यादातर जो है वहाँ पे वेज होते हैं। हाँ, और मतलब किस किस चीज का जिक्र करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गाड़ियों के, ट्रैक्टर के, टू व्हीलर्स के, स्पाइस के, डेयरी प्रोडक्ट्स के, हर चीज। तो मतलब है कि, और सबसे अच्छी बात है कि आपके अपने मुल्क में गाड़ियां बनती हैं जो सेफ्टी वाइज सबसे ज्यादा अच्छी होती हैं। और हर दोस्तों बताओ, ये होती है मतलब पावर और डेवलपमेंट और ये चीजें। और आप जिस तरीके आने वाले वक्त में वाकई इंडिया सुपर पावर अभी से बनता जा रहा है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। 2013 तक इंडिया हर चीज में नंबर 2-3 पे पहुंच जाए। अच्छा, अभी ये देख लो कि अभी 4-5 हर जगह पर पूरी दुनिया में 4-5-3-2-4-5-3-2-4-5-3-2-4-5 अमेरिका, चाइना और अब इंडिया मतलब यही है, अमेरिका, चाइना, इंडिया, बस इन्हीं का ही होल्ड चल रहा है।
और इंडिया जो है अभी ऊपर जा रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना, हर चीज में ऊपर जा रहा है जी। यार सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार, सच में इंडिया एक सुपर पावर है। और मुझे लाइक इस तरह मैं एज अ पाकिस्तानी मुझे ये फील हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है भारत पे ना, इंडिया पे मुझे गर्व हो रहा है यार। यार गर्व के देखे भाई, हर चीज वहां पर बनती है, मोटर बाइक वहां पर बनती है और वो और कारें वहां पर बनती है। 2027 से पहले आप देखेंगे ये 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी इंडिया यार। हो ये बहुत बड़ी बात है यार भाई, इतना शक्तिशाली देश यार, इतना शक्तिशाली माशाल्लाह। मैं किस तरह से ग्रो किया है इन ऑल फील्ड्स, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जितनी भी इनकी फील्ड्स थी उनके अंदर इंडिया ने बहुत भरपूर किरदार अदा किया और हर फील्ड के अंदर एक्सीड किया है। और इकोनॉमी जो है वो इनकी 2027 में कहते हैं इट्स गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो लेट सी कि क्या होता है। वैसे तो इनकी जो इकोनॉमी है वो काफी बूस्ट कर रही है। एंड भाई किस चीज की बात करें, कहाँ पे मतलब किस चीज का बोले कि ये चीज, मतलब हर चीज में कभी किसी में 4 पे नंबर पे, कभी किसी पे 5वें आ रहे हैं, कभी कहाँ पे ट्रिलियन में जाके बिजनेस हो रहा है और कहीं पे स्पेस में 104 सैटेलाइट भेजी, सही बात है बिल्कुल, वो भी पहले नंबर पे बन गए हैं। एंड तो वहां की बात करें तो वो चौथे नंबर पे। एंड हाँ, और मतलब न्यूक्लियर वेपन्स भी उनके पास है, उनके पास 12,000 किलोमीटर करने वाला भाई, हाँ 5,000 से अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसे जो मिसाइल्स हैं वो, सही बात है बिल्कुल, 5,000 से लेके 12,000 तक मार करने वाले। इंडिया कह रहा है सुपर पावर बनने के लिए, जो कि वो यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट वी आर द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, यही इसका मतलब है। और इतनी ज़्यादा तरक्की करना, ये चीज़ें करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इतनी सारी सुपर पावर्स आ रही हैं, तो एक सुपर पावर इंडिया में ये भी आनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको भी देखा। मतलब नेक्स्ट सुपर पावर तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी देखा जाए तो वहां पर है। और चीजें देखी जाए इसमें, मतलब गोल्ड से लेके डायमंड, फिर जो है व्हीट की बात की गई है, फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई, कॉटन की बात की गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की गई है, बहुत ज्यादा मतलब देखा जाए तो हर एक फील्ड में जो इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो हर चीज में आगे, मोटी मोटी चीजों को दिखाया गया और बताया गया कि इंडिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए जा रहा है वो उसके पीछे रीजन क्या है, आखिर क्या क्या इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से एक वर्ल्ड मेरा तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया बन रहा है। और एक जनरल नॉलेज की भी काफी ज्यादा चीजें हमें देखने के लिए मिली, जो चीजों को नहीं पता था कि आखिर इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, नेविगेशन हो गई और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जिनके वो लोग तो फ्यूचर में जी रहे हैं बॉस, हम लोग तो अभी अपना प्रेजेंट भी नहीं देख पा रहे, लेकिन इंडियंस जो है फ्यूचर में जी रहे हैं। वाकई 2024 में ये इतना आगे तक का, 2027 का तक सोच चुके हैं, तो आगे जाके क्या करेंगे। 2027 में तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया से कम्पीट करेगा और आज के दिन में भी कर रहा है। तो ये थे गाइस आज की वीडियो, और भाई राइजिंग इंडिया आपने देखा, तो भाई इंडिया जो है बहुत सारे सेक्टर्स में जो है बहुत तेजी से डेवलप्ड हो रहा है, और आने वाले टाइम में भाई जो अभी सुपर पावर हैं दुनिया के, तो खैर अभी भी उनके साथ कम्पीट कर रहा है, मतलब कि जैसे जो बड़े बड़े स्टार्टिंग के 1-5 नंबर्स पे इंडिया जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, जैसे कि किसी चीज़ में 5th पे है, किसी पे 4th पे, किसी पे 3rd पे, किसी पे 2nd 1st, ऐसे मतलब हर जगह इंडिया ने अपनी 1 से 5 के अंदर अंदर ही अपना मतलब रखा हुआ है। और आने वाले टाइम में भाई जिस तरह से ये मतलब राइजिंग सुपर पावर हो रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक दिन जो है ये भी अमेरिका, चाइना और रसिया जैसे जो है देशों के एकदम जैसे कहते हैं लेवल में खड़ा होगा। अभी थोड़ा किसी सेक्टर में आगे है तो किसी में पीछे है, तो अभी भाई आप लोगों को जैसे पता है कि अभी ये डेवलप्ड कंट्री में शामिल नहीं है, अभी डेवलपमेंट कंट्री में उसमें आता है मतलब। तो लेकिन ये है कि जिस हिसाब से भाई भारत जो है डेवलप्ड कर रहा है हर सेक्टर में, और यहाँ पे हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में उम्मीद है 2027 तक IMF ने भाई ये वो किया था कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी दुनिया की, तो आई होप सो बन भी जाए, क्योंकि अभी जो इसकी ग्रोथ रेट है वो बाकी कंट्रीज से ज़्यादा है इंडिया की, तो चाइना की भी इवन की ग्रोथ रेट जो है पीछे कम थी इंडिया से, तो जो इवन कोरोना से लेके अभी तक भाई इंडिया की ग्रोथ रेट में उतना फ़र्क नहीं हुआ जितना बाकी कंट्रीज़ के ग्रोथ रेट में हुआ है। तो आई होप सो भाई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और हम तो चाहते हैं भाई इंडिया जितनी जल्दी हो सके जो है डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो,
और रहेगी सुपर पावर बनने की बात, तो आप कौन आप लोगों को पता है भाई, इंडिया ने कभी जो सुपर पावर बन के किसी का फायदा नहीं उठाना, और ये अपने लिए सुपर पावर बन रहा है ना कि दूसरों के लिए। जैसे कि अमेरिका वगैरह सुपर पावर हैं तो पूरी दुनिया में डोमिनेट करते हैं कंट्रीज़ को, जहां अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वहां पे अगर नहीं चलता तो वहां पे वो कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो वो करते ही रहते हैं। तो इंडिया ने खैर ये सब नहीं करना, लेकिन ये है कि भाई इंडिया खुद चाहता है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री हो, और बनना भी चाहिए क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं है इंडिया के पास, जैसे कि ना आबादी की कमी है ना किसी चीज़ की कमी है, और मे भी शायद आबादी में तो चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है, लेकिन अब भाई जब इसका डाटा आएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट छोड़ चुका है चाइना को पीछे। बाकी भाई आप लोगों को पता है कि सेक्टर की बात की जाए कि इंडिया जो है उसमें ग्रो नहीं कर रहा है, तो खासकर टेक्नोलॉजी में, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी है, चाहे आईटी की है, चाहे ये ऑटोमोबाइल्स की है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कोई ऐसी वो फील्ड नहीं बाकी जहां इंडिया अपना कम या ज़्यादा लेकिन ग्रो कर रहा है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो है मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऑडियो जंगल।